नमस्कार दोस्तों, आज 12 मई 2022 दोस्तों जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या कुछ रेट चला। जानते हैं आज की मंडी में क्या कुछ पोजीशन है प्याज की, जो स्पेशल प्याज के बेचने वाले भाई साहब हैं, जानते हैं आज का क्या कुछ बाजार खुला। सर जी नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। सर जी आज का क्या कुछ बाजार चला जी, मंडी में कितनी गाड़ियाँ हैं जी? आज मंडी में करीब 95 गाड़ी माल है, जिसमें 50 गाड़ी 52 गाड़ी ताजी है, 40-45 बैलेंस है। अच्छा जी, ये कहाँ का माल है जी अपने पास? ये बहादुरगढ़ का माल है जी, लोकल। हाँ जी, कहाँ का? माइक पास कर लो जी। बोलते हैं वैसे दिल्ली का प्याज है। माइक पास कर लो। ये दिल्ली का प्याज है, दिल्ली बहादुरगढ़ का जी है। हाँ, ढासा गाँव का है। अच्छा जी, और इसका क्या रेट चला जी आज का? ये इसकी ये बिक रहा है जी 12 रुपए किलो, 480 रुपए मण। 480 रुपए मण। हाँ जी हाँ जी। और जो इसमें इससे बढ़िया भी क्वालिटी होती है कि इससे बस यही? हाँ, है जी। थोड़ा मोटा आता है वो 550 तक बिकेगा। 550 रुपए मण। हाँ जी, 40 किलो का जी। बाकी जो रांगड़ा नासिक है, उसका रांगड़ा नासिक का तो यहाँ बढ़ता नहीं है। हाँ जी, वो बढ़िया माल है, वो 600-650 रुपए मण, 650 रुपए मण तक बिक जाता है। अच्छा जी। और बिक भी रहा है 15-15.5 रुपए किलो। किलो बिक रहा जी? हाँ, नासिक वाले जी। हाँ जी। और एमपी का प्याज बिक रहा है 11 रुपए से लेके 14-14.5 रुपए किलो तक। अच्छा जी, तो कल के मुकाबले आज गाड़ियाँ ज़्यादा है ना जी? नहीं, थोड़ी 10-15 गाड़ी ज़्यादा है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अच्छा जी। और राजस्थान का माल हल्का आ रहा है, तो राजस्थान का माल जो है वो गर्मी की वजह से थोड़ा उसको नुकसान हुआ है, वो बिक रहा है समझो 6 रुपए किलो से लेके 10 रुपए 11 रुपए किलो तक। 6 से लेकर 11 रुपए किलो? हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, और जो पुणे वाले टॉप क्लास के माल हैं जी, वो 15-15.5 रुपए किलो टॉप। इससे ऊपर कोई बाजार नहीं है जी? इससे ऊपर कोई बाजार नहीं है। हाँ जी, बाकी बाजार आस्ता आस्ता ठीक होगा, क्योंकि प्याज में नुकसान हो रहा है सब जगह। हाँ जी, ये गर्मी पड़ने से कहीं भी प्याज रुक नहीं पा रहा है। और ये भी हो रहा है कि पीछे प्रोडक्शन कह रहेगी कम निकल रही जी खेतों में। हाँ, माल की गर्मी की वजह से, जो अप्रैल में गर्मी पड़ी उससे उतारा कम आया प्याज का। हाँ जी। और उतारा कम आने से प्याज में क्वालिटी में भी फर्क पड़ा है, तो प्याज कम रहेगा। प्याज में मतलब इतना प्याज पिछले साल के मुकाबले मेरे आइडिया से कि 25% प्याज कम है। हाँ, कम से कम 25-30%। अच्छा जी, पर अब सीजन पे मंदा ही चल रहा जी, देख लो। हाँ, अभी मंदा, अभी तो फसलों का टाइम है ना, सब जगह प्याज थोड़ा थोड़ा पैदा होता है। हाँ जी, तो उससे उसकी मांग में कमी रहती है। हरियाणा पंजाब में भी लोकल, वो एक महीने में लोकल प्याज सब खत्म हो जाएंगे। हाँ जी, फिर प्याज में थोड़ा भाव बढ़ सकता है। अच्छा, यानी इतना किसानों के प्याज तो बिक लेंगे जी? थोड़े बहुत किसान स्टॉक भी करते हैं अभी। अच्छा जी, ऐसी बात नहीं है, किसान घरों में स्टॉक भी करते हैं। हाँ जी, जितना स्टॉक इंडिया में होगा उससे आधे से ज़्यादा तो किसानों के पास ही होगा। अच्छा जी, व्यापारी की उल्टा हिम्मत नहीं हो रही 15-12 रुपए किलो स्टॉक करने में। अच्छा जी, और क्वालिटी स्टॉक लाइफ भी नहीं है, किसान तो घर का माल है अपना संभाल लेगा 2 महीने 1 महीना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। प्याज में कमी आ सकती है, क्यों? और मौसम पे डिपेंड हो गया अब तो, सारा गेम मौसम का है। हाँ जी, बारिशें आ गई तो तेजी पकड़ जाता है, धूप ज्यादा पड़ जाए, तो गर्मी ज्यादा। अंदाजे से आपका तो बहुत तजर्बा है जी प्याज का जी, जैसे आपके अंदाजे से जो अगली बार स्टॉक करेंगे कुछ बचेगा जी उनको? जिसका प्याज बचेगा उसको बचेगा, जिसका प्याज खराब हो गया वो क्या बचेगा। अच्छा, यानी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है प्याज बचाने की है। प्याज बचाने की समस्या है मेन, जो मेन प्याज बचा गया वो जरूर कमा सकता है। अच्छा जी, नहीं तो प्याज में क्वालिटी बढ़िया है नहीं। अच्छा, छिलका सिंगल पत्ती रह गया गर्मी की वजह से। हाँ जी, कुछ मौसम का वजह होगा, क्या कह सकते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इतना खेती के जानकार तो हम भी नहीं है। नहीं, आपको तो पता रहती है ना जी किसानों की। वजह यही है कि मेन जो अप्रैल में गर्मी पड़ी उसने मौसम को प्याज को बढ़ने से रोक लिया, साइज कम हो गया। हाँ जी, अभी आज भी टेम्परेचर लगातार ज़्यादा जा रहा है तो छिलका कमजोर होता जा रहा है। अच्छा, इस वजह से जो प्याज रोक लेगा उसको तो फायदा हो सकता है आगे प्रभु की। वो भी जो भी जिसका अच्छा प्याज होगा। हाँ जी, अच्छा प्याज ही रोके का फायदा है जी। हाँ जी, बाकी सारी बात मौसम पे रह गई, कुदरत के हाथ में है, अब दिमाग नहीं चलते इतने। हाँ जी, कुदरत है, जिसको धंधा करना है बढ़िया माल रखे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, प्रभु भली करेगा। धन्यवाद सर जी, अपनी दुकान का एड्रेस जी, धन्यवाद। नंबर दिया आपका जी, इसमें तो नंबर नहीं है जी, लिखो है जी। नंबर लिखा हुआ जी, मेरा फ़ोन नंबर है 9810157508। अच्छा जी, धन्यवाद सर जी। हेलो लो दोस्तों, आपको एक और आरती से मिलाते हैं इनके बराबर में, जो अपने बिंदा भाई जी हैं यहाँ पर भी, इनके बराबर में एक दुकान है, इनका भी काफ़ी बड़ा प्याज का ही काम है, इनसे भी थोड़ा सा राय मशवरा जानेंगे, क्योंकि इनके पीछे भी जो है काफ़ी जहाँ से प्याज की प्रोडक्शन होती है वहाँ भी अच्छा इनकी खासी जानकारी है। सर जी नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है जी सर जी अपना जी? श्रीकांत। श्रीकांत जी,
तो आपका पता चला जी पीछे भी कोई आड़ टूटता है जी वहाँ पर? बिंचूर में है गुरुजी यूनियन कंपनी के नाम से, मंचूर में जी, बिंचूर लासनगांव, लासनगांव में जी। अच्छा, लासनगांव में तो काफी प्याज होता है जी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा, एशिया की सबसे बड़ी प्रोडक्शन मंडी वही है, लासनगांव ही है जी, तो सबसे बड़ी जी। सर जी, तो वहाँ की कुछ रिपोर्ट के बारे में पता जी बता सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही वहाँ पर, स्टॉक कैसा चल रहा है, कितनी लिमिट का स्टॉक तो चल ही रहा है, प्राइवेट व्यापारी भी अपना स्टॉक कर रहा है, नेफेड भी स्टॉक कर रही है, हाँ जी, गवर्नमेंट का भी स्टॉक चल रहा है ना। तो कह रहे कि प्याज की क्वालिटी में अब की बार प्रॉब्लम आ रही कुछ? हाँ, प्याज की क्वालिटी में प्रॉब्लम है, अचानक गर्मी एकदम से बढ़ जाने की वजह से, हाँ जी, फसलें कमजोर हो गई, मीडियम प्याज ज़्यादा रह गई है, और जो प्याज हैं भी वो खराब जल्दी होने के चांस हैं उनके। फिर इतना लंबा तो अब की बार स्टॉक चल नहीं पाएगा जी? नहीं, रहेगा तो सही, ऐसा तो नहीं है कि स्टॉक नहीं रहेगा तो क्या खाएंगे लोग, स्टॉक तो रहेगा, जो मान लो खराब हो, हाँ, ये खराब ज़्यादा होगा तो जल्दी निकालना पड़ेगा जिनको। हाँ जी, हाँ जी, यानी क्वालिटी प्रॉब्लम है। अपने पास कहाँ के माला जी हैं आज? राजस्थान का है और एमपी का है। अच्छा जी, ये एमपी का वाला जी है? हाँ जी, वो ये क्या कौन से इलाके का जी है? ये है इंदौर के साइड का है। इसका क्या बाजार चला जी आज का? 500 रुपया। और ये राजस्थान वाले जी? हाँ, राजस्थान की है, वो आगे वाली 330 रुपये भी की है, ये वाली 370 रुपये भी की है। मान जी 40 किलो का जी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी जानकारी देने के लिए। सर जी, अपनी दुकान का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है जी आपका जी? 9811015739 आरसी ट्रेडर्स। अच्छा जी, आपका नाम? शुभ नाम जी, श्रीकांत। श्रीकांत, सबसे ऊपर वाला नंबर है जी? हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी जानकारी देने के लिए। ओके जी, बहुत अच्छा लगा जी मिल के आपसे। धन्यवाद।